रवि कुमार समाधिया. टुडे इन प्रैक्टिकल नंबर थर्ड आई विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग शॉप. ओके, हेयर यू कैन सी द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग. ओके, सो दिस इज द वेल्डिंग मशीन एसी और डीसी. मतलब यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, जिसके कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल एंड एक पॉजिटिव टर्मिनल. तो एक टर्मिनल इसका डिपेंड करता है किस पोलैरिटी की हम वेल्डिंग कर रहे हैं. एक टर्मिनल तो इसका कनेक्ट हो जाता है हमारा वर्कपीस से. वर्कपीस जो है हमारी टेबल से कनेक्ट रहती है और टेबल पर वाया अर्थ क्लैंप हम इसको कनेक्ट कर देते हैं. और एक पोलैरिटी, एक टर्मिनल हमारा जो कनेक्ट रहता है वो यहाँ से आके इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट रहता है. और इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है उसे हम ऐसे पकड़ते हैं और आगे की तरफ हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है. तो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में एक माइनर सा गैप रहता है, बहुत कम mm में, 3 mm के अप्रोक्स हम गैप रखते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस की वजह से वहाँ पर क्या होता है, स्पार्क क्रिएट होता है, एक तरीके से आर्क जनरेट होती है. तो उस आर्क से क्या होता है कि जो ये वेल्डेड जोन है, मतलब इधर की तरफ और इधर की तरफ मेटल जो होगा और बीच में मेटल जो होगा वो मॉल्टन स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पिघलेगा और थोड़ी देर में वो, मतलब जैसे ही माइनर सेकेंड्स में वो जुड़ने लग जाएंगे. तो यहाँ पर हम इस तरीके से वेल्डिंग कर देते हैं. ओके, तो ये हमारा एक तरीके से वेल्डिंग है. और वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं ये इसके ऊपर हमारा क्या है कि फ्लक्स की कोटिंग होके रहती है, जिससे कि हमारा जो वेल्डेड जॉइंट जो बन रहा है वो उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट ना हो. ओके, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेस से इस जॉइंट के साथ रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं. तो इसके ऊपर एक हमारा स्लैग क्रिएट हो जाता है, जो कि फ्लक्स इसको क्रिएट कराने के लिए मेन रोल प्ले करता है. तो यहाँ पर स्लैग जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो हमारा एक कवरिंग, शील्डिंग प्रोवाइड हो जाती है, जो कि वेल्डेड जॉइंट को अफेक्शन से रोकती है. ओके, इफेक्ट काफ़ी कम आ रहा है. दीस आर सम कंटेंट्स व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5S इम्प्लीमेंटेशन. 5S इम्प्लीमेंटेशन का मीन्स होता है कि एस एस को हम 5 times लिखें, और 5 times लिखने के बाद इम्प्लीमेंटेशन का पूरा एक चार्ट है, जिसमें कि हम वहाँ देखते हैं कि सीरी लिखा हुआ है. मीन्स क्या होता है, इसका मतलब छटाई होता है. और इंग्लिश लैंग्वेज हम कहते हैं वहाँ पर शॉर्टिंग कहते हैं. शॉर्टिंग का मीन्स होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम यूज़ करेंगे, मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एनी कंपोनेंट हम ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. और ये हमारे अनयूजफुल प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको हम साइड में मतलब छटाई कर देंगे या फिर इनको थ्रो अवे हम कर सकते हैं. तो पहला आपको एस समझ में आया, वो हम कहते हैं छटाई, शॉर्टिंग. ओके, तो सेकंड एस जो होता है वो होता है हमारा सीशन, मीन्स सुव्यवस्थित करना. मीन्स होता है इसका इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर. सेट इन ऑर्डर मीन्स कि जिस सामान की आपको ज़रूरत है वो आपके नियर अराउंड मशीन होगा, जिस सामान की आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी मतलब रेयरली ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपके थोड़ा दूर रहेगा. थर्ड होता है आपका थर्ड होता है शाइनिंग. शाइनिंग का मीन्स होता है कि साफ़ सफाई, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमें मशीन की रेगुलरली साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, उस पर डस्टिंग क्रोजन वगैरह जो भी डस्टिंग वगैरह है तो उसको हमें हटा देना चाहिए. तो थर्ड होता है हमारा शाइनिंग. फोर्थ वन इज़ योर स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड का मीन्स होता है कि हमें मशीन की और जो हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस हमें करनी है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें मेंटेनेंस करनी है रेगुलरली. और जो हमारा मार्किंग प्रोवाइड की गई है मशीन के अराउंड, तो उनको हमें फॉलो करना है सारी चीज़ों को. तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में हम फोर्थ वाले एस को समझते हैं. और 5S मीन्स जो लास्ट वाला एस होता है, फिफ्थ वाला, उसका मतलब होता है स्व अनुशासन, या फिर हम इसे कहें सस्टेन. सस्टेन का मीन्स होता है कि हमें ये सारे जो चारों एस हैं इनको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, जिससे कि रेगुलरली हैबिट में हमारी में आएगा. और जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं इसके बेनिफिट. हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे 5S के बारे में आपने देखा. तो लास्ट मतलब हम बात कर रहे थे कि 5S के बेनिफिट्स क्या होते हैं. तो 5S के कुछ बेनिफिट्स इस तरीके से हैं, जैसे कि फर्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारा वेस्ट प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाती है, प्रोडक्शन हाई हो जाता है ना. जब अगर आपका वेस्टेज, मतलब आपके सारी चीज़ें रेगुलरली अरेंजमेंट में चलेंगी, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना. टाइम वेस्ट का मीन्स होता है ओवरऑल आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ना, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है. सेकंड आपका हो जाता है सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलोड इन द वेल्डिंग शॉप. हमें वेल्डिंग शॉप में जैसे ही एंट्री करेंगे और वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पर हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. जैसे कि आपका फर्स्ट होता है आपका वेल्डिंग शुड बी डन एट वेल वेंटिलेटेड प्लेस. मीन्स हम जहाँ पर वेल्डिंग करें वहाँ पर एयर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि एग्जॉस्ट होना चाहिए, प्रॉपर विंडो होना चाहिए, डोर ओपन होना चाहिए, जिससे क्या है ना कि सफोकेशन नहीं हो और जो हार्मफुल गैसेस क्रिएट हो रही हैं वहाँ पर, हीट क्रिएट हो रही है, वो मतलब बाहर जाती रहे. ओके, रेगुलर एयर फ्लो एक प्रॉपर वे में रहना चाहिए. सेकेंड हम कह सकते हैं कि जो हमारा जैसे गैस वेल्डिंग की बात करें, तो वहाँ पर हम इस जो फ्लेम जनरेट करते हैं, फ्लेम क्रिएट करते हैं, उस क्रिएट में हम स्पार्क लाइटर का यूज़ करें एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दैट
फ्लेम. हम ऐसा नहीं कि माचिस ले आए या फिर कोई एनी अदर कंपोनेंट है, जैसे कि क्या गैस है, गैसेस जब फ्लो करेंगी तो हमें मतलब समझना कि अगर गैसेस हम किसी और कंपोनेंट से जैसे बर्न करते हैं तो वहाँ पर कंबशन मतलब आग लगने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं. थर्ड हो जाता है आपका जैसे कि हमें वेल्डिंग करनी है तो प्रॉपर हैंड ग्लव्स है ना, फेस शील्ड और एप्रन, प्रॉपर शूज़, ये सारे प्रोसेस हमें मतलब करने चाहिए, ये प्रॉपर वियर करके ही करें. क्योंकि वेल्डिंग के टाइम पे क्या होता है कि जहाँ मोल्टन मेटल मतलब वेल्डिंग जोन में मेटल जब मोल्टन स्टेट में आता है तो स्पेटर्स मतलब छींटे एक तरीके से क्रिएट होती हैं, तो वो शरीर पर ना आ जाएँ है ना, आँखों पर ना आ जाएँ, तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है. तो वेल्डिंग करते टाइम हमें प्रॉपर मार्किंग करना चाहिए, वेल्डिंग करते टाइम हमें जो वेल्डेड पीस हैं उनकी सरफेस पर से हमें कोरोजन हटा लेना चाहिए जिससे कि डिफेक्ट्स क्रिएट ना हो. कुछ डिफेक्ट्स है जैसे पोरोसिटी होता है ना, एयर ब्लोस होते हैं, तो वो वहाँ पर क्रिएट नहीं होंगे अगर हम कोरोजन वगैरह को रिमूव कर लेंगे. देन हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग. तो वेल्डिंग की डेफिनेशन ईजी है, प्रॉपरली याद हो जाती है और समझते हुए हमें इसको समझना है. फ्रेंड्स, तो अब हमें अब ये जानने की जरूरत है कि वॉट इज वेल्डिंग, हाउ वी कैन डिफाइन द वेल्डिंग प्रोसेस. सो वेल्डिंग इज अ परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस विच मेटल टू और मोर देन टू पीसेज ऑफ मेटल सिमिलर और डिसिमिलर टाइप आर जॉइंट टुगेदर बाय द एप्लीकेशन बाय फ्यूजन विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विद और विदाउट द यूज ऑफ फिलर मटेरियल. हीट द फ्यूजन विल बी क्रिएटेड बाय हीट एंड हीट विल बी जनरेटेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. These are some modes through which we can produce heat and heat will create the fusion and fusion will just fuse that area and just joining process will be done at this side. Okay, now we are going to these topics, advantages, limitations and applications of welding process. तो welding के advantages क्या होते हैं हम बात करें तो welding के advantages जैसे हम कहें कि जो हमारा welding से joint बनता है वो joint मतलब that welded piece is able to bear मतलब वो joint जो होता है वो high load को bear करने के लिए capable होता है as compared to the riveted joint. okay, जो welding का जो joint है ये हमारा यहाँ पर हमारा देखते हैं कि welding से हम repairing purpose करते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे दो पीस खराब हुए और हमने उनको फेंक दिया और नया पीस ले लिया, ऐसा नहीं, हम उसको welding के थ्रू नया कर सकते हैं. ओके, नया करेंगे तो क्या होगा, हमारा वेस्ट मतलब मेटल जो है वो सेव होगा, मेटल सेव होगा तो ओवरऑल क्या है, प्रोडक्शन हमारा अच्छा बनेगा है ना, मटेरियल कॉस्ट कम आएगी, लेबर कॉस्ट कम आएगी. तो कुछ एडवांटेजेस तरीके से हैं जो कि हमारा वेल्डिंग के एडवांटेजेस हैं. ओके, ऐसे हम बात करें तो वेल्डिंग का जो जॉइंट बनता नहीं वाला जॉइंट जो रिवेटेड जॉइंट से काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देता है, वेल्डिंग जॉइंट की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है. तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो कि वेल्डिंग से हम अचीव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो लिमिटेशंस. अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी इसकी. तो लिमिटेशंस की जैसे हम बात करते हैं तो जो वेल्डिंग जॉइंट बनता है तो वेल्डेड जॉइंट जो होता है इसकी फटीग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. ओके, नहीं, इसकी क्या होती है कि जो ये आपका वेल्डेड जॉइंट जो बनता है ये हमारा जॉइंट जो है काफ़ी ब्रिटल रहता है, ब्रिटल होने की वजह से इसकी फटीग स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो डायनेमिक लोडिंग के दरमियान ये क्या है, ब्रेक हो सकता है. तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि वेल्डिंग के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. और जैसे हम बात कर रहे हैं तो वेल्डिंग से गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग, हमारी आईज इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. ओके, और वेल्डिंग से काफ़ी जॉइंट्स भी क्रिएट हो जाते हैं जो कि उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है. जैसे कि हम स्लैग इंक्लूजन की बात करें तो उसको हम आइडेंटिफाई करने में बहुत मतलब डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके, और वेल्डिंग से हम जो कुछ करते हैं तो वेल्डिंग का हमें विशेष ध्यान देना है कि लिमिटेशंस को कुछ हमें क्या करना है, ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पर सरफेस को क्लीन कर लेना है बिफोर द टाइम ऑफ वेल्डिंग, जिससे कि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो कम आए. डिफेक्ट्स कम आएंगे तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी उस वेल्डेड जॉइंट की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. ओके, तो काफ़ी क्लासिफिकेशन भी होता है वेल्डिंग का, जैसे कि आर्क वेल्डिंग के अलग टाइप्स होते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अलग टाइप्स होते हैं, गैस वेल्डिंग के अलग टाइप्स होते हैं. तो वेल्डिंग जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर. ओके, और हम बात करते हैं अब यहाँ पर एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन मीन्स होता है कि हम वेल्डिंग का एप्लीकेशन मतलब कहाँ अप्लाई करते हैं इसे. तो जैसे हम बात करें तो रेलवेज में, जहाँ पर मेंटेनेंस वर्क होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को प्रोड्यूस मतलब जॉइंट करके मतलब दो बड़े पीसेस को जॉइंट करके हम कोई बड़ा कंपोनेंट बनाते हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, बाइसिकल इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़, काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं. हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि डोर बनवाना है ना, या फिर हम विंडो बनवानी है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वेल्डिंग के थ्रू ही ये काम हुआ होता है. तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं.
ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस प्रैक्टिकल, तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो तीन बार देखिएगा तो अच्छे से और क्लियर होगा कि हम वेल्डिंग जो पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग है क्या, एक्चुअल में क्या है वेल्डिंग। तो नेक्स्ट हम बाद में करेंगे, तो ये आपको देखेंगे। थैंक यू।